नमस्कार, नीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ में एक लस्सी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस लस्सी को मैं पपीता और सेवफल को मिला करके बनाऊँगी। इसको बनाने के लिए मैंने एक छोटा सेवफल अच्छी तरह धो करके, छील करके और उसके बीज और छिलका हटा करके टुकड़ों में काट के लिया है। आप चाहें तो छिलका सहित ले सकते हैं। और पपीता लिया है मैंने काट करके, ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है। 1 कप दही है, कुछ आइस क्यूब्स हैं और 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। लस्सी को बनाने के लिए मैंने मिक्सर का जार ले लिया है और उसमें कटा हुआ पपीता और सेवफल डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें पिसी हुई शक्कर डाल देती हूँ। और दही, दही हमें ताज़ा लेना है लस्सी बनाने के लिए। इसे मिक्सर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने सेवफल, पपीता, दही और पिसी हुई शक्कर को मिला करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और ये लस्सी बन करके तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। एप्पल पपाया लस्सी को मैंने सर्व कर लिया है और बारीक कटी हुई बादाम से गार्निश कर दिया है। ये बन करके तैयार है। यह स्वादिष्ट और सेहतमंद लस्सी आप भी बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।